मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट के बाद अब राजस्थान में भी तख्ता पलट की नाकाम कोशिशें चरम पर है। इसका दावा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इसके लिए सीएम गहलोत ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के ही कुछ युवा नेताओं पर शंका जाहिर की है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस राज्यसभा चुनावों से पहले ही सत्ता से हाथ धो बैठी है। ऐसे में अब चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है कि बीजेपी राजस्थान में भी जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वरिष्ठ पत्रकार को दिए साक्षात्कार में सरकार गिराने की नाकाम कोशिशें करने वाले कांग्रेस के युवा विधायकों और बीजेपी को नसीहत दे डाली और कहा कि मेरी भी सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही है और मुझे इसकी जानकारी भी है, लेकिन यह पार्टी के नए पीढ़ी के नेताओं की गलती नहीं है, बस उन्हें अचानक मौका मिल गया है। हाईकमान ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, इसके कारण जो उनकी रगड़ाई होनी चाहिए वो उस वक्त हो नहीं पाई, जिसकी वजह से वो इस तरह की असफल कोशिशें कर रही है। वहीं सीएम गहलोत ने पार्टी के अंदर के मतभेदों को भी खारिज किया है। गहलोत ने कहा कि हम तो अपना काम करते हैं, किसी से कोई मतभेद नहीं रखते। इस संकट के दौर में हमें मिलकर काम करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले एक साल में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तख्ता पलटकर कांग्रेस के नीचे से सत्ता खींच ली। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गठबंधन सरकार हिचकोले खा रही है। ऐसे में राजस्थान के सियासी गलियारों में भी वक्त बेवक्त सरकार गिराने की खबरें जोर पकड़ती रहती है। वहीं राजस्थान की भी 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत चुनौती दे रही है। ऐसे में विपक्ष प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग की जुगत में लगा हुआ है। फिलहाल प्रदेश में सरकार स्थिर है, लेकिन तख्ता पलट के लिए गहलोत ने किन नेताओं की तरफ इशारा किया है वो किसी से छिपा नहीं है। खैर, अब राज्यसभा चुनावों तक प्रदेश में सियासी रुख क्या रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।